वही भिलाई क्रिकेट एसोसिएशन की वार्षिक बैठक 2 वर्ष कोविड काल के बाद इस वर्ष एक निजी होटल में संपन्न हुई। इस बैठक में सीएससीएस के 2 पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई एवं क्रिकेट के क्षेत्र में भिलाई में बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए खिलाड़ियों को कुछ और बेहतर सुविधाएं देने पर चर्चा हुई। बीसीए के अध्यक्ष और पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर राजेश चौहान ने बताया कि जिस तरह भिलाई कई क्षेत्रों में प्रणेता की भूमिका अदा करता है, उसी तरह क्रिकेट का भी सेंटर बनता जा रहा है, जिसे देखते हुए और बेहतर प्लेटफॉर्म देने प्रयास किया जा रहा है। श्री चौहान ने विगत 2 वर्षों में बिछड़े खिलाड़ी साथियों एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की और उन्हें नमन किया। बहुत अच्छी बैठक थी और क्या हुआ था कि 2 साल जो कोविड हुआ इसमें बहुत सारे बच्चे जो छोड़ दिए, कुछ चले गए, कुछ के परिवार के लोग उनसे बिछड़ गए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो एक मुद्दा था, एजेंडा था, जो एक परिवार का होता है समझिए, तो एक बार मिलना जरूरी था। तो सीजन से पहले एक बार बैठक की थी और 2 साल के बहुत सारे मुद्दे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हर साल होनी चाहिए थी लेकिन नहीं, वो कोविड के कारण 2 साल हो गया जो होना जरूरी था। बट जी नेचुरल है, भिलाई एक ऐसी जगह है जो हमेशा सेंटर रहा है क्रिकेट का, तो यहाँ के बच्चों में जो एक शायद 2 साल में उनका उत्साह कुछ कम हो गया होगा, तो उत्साह भरने की भी बात नहीं है, बातें करके कभी कभी बातों से भी हो जाता है, कभी कभी ग्राउंड में हो जाता है, वो सारी चीज़ें। देखिए CSCS से दो लोग यहाँ आए थे, जीजू शाह और दिनेश पांडे जी, और उन लोगों ने भी यहाँ पर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और सारी चीज़ों के लिए कुछ पॉइंट्स रखे हैं। हम लोगों को कुछ पॉइंट्स थे जिस पे वो डिस्कशन हुआ जो हमने पुराने रखे थे, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप होंगी जिससे यहाँ की क्रिकेट जो है वो ऊँचे स्तर पर जाएगी। एक पॉइंट हमारा और था महिला क्रिकेट को भी हम यहाँ बहुत अच्छे ढंग से डेवलप करना चाह रहे हैं, और यहाँ के जो जनरेशन है, महिला जनरेशन नेक्स्ट आ रही हैं, उनके लिए हम रास्ते खोलना चाह रहे हैं, उनके आगे बढ़ने के लिए हम उनको एक गाइड करना चाह रहे हैं कि वो स्पोर्ट्स के साथ साथ स्पोर्ट्स के उन सब्जेक्ट जो उनको नौकरी में और हर जगह साथ दे, हम उस पर हम बात करना चाह रहे हैं।